अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हम करते हैं अगला टॉपिक डिस्कस डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी में, दैट इज़ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी में तो इंपॉर्टेंट होना एक अलग बात है, या आपके एम्ब्रियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे ही इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे क्यों अलग से पूरा GTDs का भी आता है कभी कभार, मतलब वो आपसे पूछते हैं कि गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ क्या होती हैं और टाइप्स बताएं, और कभी कभार वो आपसे मोल्स पूछ लेते हैं अलग से, हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, मतलब साथ बताते थे कौन सी टाइप ऑफ मोल पूछना है, लेकिन में से ऐसे क्यूज बहुत कॉमनली आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज है, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारा ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू बनता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब बात सबसे पहले आती है कि ट्रोफोब्लास्ट चीज़ क्या है। मैं याद आपको कराऊँ, एम्ब्रियोलॉजी में आपने पढ़ा था हमारे पास एक स्पर्म है और एक एग है। ठीक है, ये दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो एक टू सेल स्टेज होती है, सॉरी, सबसे पहले जो हमारा बनता है फर्टिलाइज्ड ओवम जिसे हम कहते हैं, उसमें दो सेल्स होंगे, एक एग होगा और एक स्पर्म होगा। ऐसे ही है, एग और स्पर्म हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि एक नॉर्मल जितना होना चाहिए उतने क्रोमोसोम्स बना देते हैं। उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर आपको पता है कि मल्टीपल स्टेजेस से सेल गुजरता है, टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट, फिर 16 सेल स्टेज, और फिर 32 सेल स्टेज आती है, जिसे हम कहते थे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं जब सेल पहुंच जाते हैं 32 सेल स्टेज पे, यानी कि ये दोनों सेल्स मिल के एक बनता है ना, जब उसके बाद ये डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, 2, 4, 8, 16 और 32 सेल्स तक पहुँचते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में जब ये पहुँच जाते हैं, यानी 32 सेल की फॉर्म में होता है, तब इसने इम्प्लांट होना होता है एंडोमेट्रियम में, पहली बात। दूसरी बात, जो 32 सेल्स होते हैं उन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज किया होता है, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया ना, कि कुछ सेल्स होते हैं जो बाउंड्री पे ऐसे लाइन कर रहे होते हैं उस पूरे को, पहले तो ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे बाउंड्री के सेल्स हैं और कुछ ऐसे बीच में पड़े हुए, पहले 32 सेल में सारे सेल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है इन इन साइड दिस कैविटी, मतलब कैविटी तो नहीं, सेल्स के दरमियान में फ्लूड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, उस फ्लूड को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल फ्लूड होता है। उस ब्लास्टोसील की वजह से जो पेरिफ्री के सेल्स हैं वो तो अपनी एक बाउंड्री लाइन मेंटेन कर लेते हैं, और जो दरमियान में सेल्स थे वो एक साइड पे पुश हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, यूं ऐसे अपेयरेंस आ जाती है। फिर हमने कहा था कि ये वाले जो सेल्स हैं जो ब्लैक से मैंने बनाए हैं, दीज आर नॉन एज एम्ब्रियो ब्लास्ट, सारे के सारे आए उसी एक ओवम से हैं। ठीक है, उसने अपने आप को मल्टीपल डिवाइड किया, वही ओवम जो फर्टिलाइज्ड ओवम था, और 32 सेल्स बनाए, और 32 सेल्स में से फिर कुछ सेल्स इन्हें एक साइड पे हो गए, उनको हमने कह दिया एम्ब्रियो ब्लास्ट, और जो सेल्स ये पूरी पेरिफेरल बाउंड्री बना रहे हैं वो हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो दीज आर योर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो कैविटी में फ्लूड कलेक्ट हो गया, इसे हम कहते थे ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी फ्लूड। फिर क्या होता है, हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल बाउंड्री में नहीं रहता, बल्कि वो इस एम्ब्रियो ब्लास्ट को भी लाइन करने लग जाते हैं इस तरह से। ठीक है, एम्ब्रियो ब्लास्ट की लाइनिंग भी यहाँ पर ऐसे करके बना देते हैं। तो इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट की हमने दो में डिवाइड कर दिए थे, जो बाहर थे उन्हें हमने कहा था दे आर नॉन एज सिंसिट्यूट ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर वाली तरफ होते हैं इनको हमने कहा था दे आर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इन दोनों के दरमियान में ब्लैक सेल्स जो है वो एम्ब्रियो ब्लास्ट होते हैं। फिर ये साइटो और सिंसिट्योट्रोफोब्लास्ट जो है ये आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इन योर डेवलपिंग फीटस। ठीक है, ये इसी ने आपका जो कोरियोन एम्बियन लेयर्स हैं, जो कोरियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है, वो सारी चीज़ें हमारे इस ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, मतलब एक ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी। फीटल स्ट्रक्चर्स बनाने में भी साइटोट्रोफोब्लास्ट का रोल होता है। ठीक है, अब फीटल स्ट्रक्चर्स में मतलब जो उसको कवरिंग स्ट्रक्चर्स है, बाकी फीटस जो है अपनी उसकी जो पार्ट्स हैं वो एम्ब्रियो ब्लास्ट से मेनली बनते हैं। अच्छा, बहरहाल बताने का मकसद ये था कि हमारे पास गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस में ट्रोफोब्लास्ट की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है। ट्रोफोब्लास्ट अगर आपको जैसे नॉर्मली प्रोलिफरेट करना चाहिए, जो इसका सारा प्रोसेस है मैंने जो आपको बताया है, और इसके बाद भी आगे भी ये नॉर्मली चलता रहे, नॉर्मली प्लेसेंटा बनाए, नॉर्मली वक्साई चीजें, उसके बजाय अगर हमारा ट्रोफोब्लास्ट एबनॉर्मल प्रोलिफरेट करता है तो उसके जो डिजीजेस बनेंगे उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस। ठीक है, इसमें मल्टीपल डिजीजेज आती हैं, उनको हमने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, कुछ को हम मोलर डिजीजेज कहते हैं, कुछ को नॉन मोलर कहते हैं। ठीक है, नॉन मोलर में बेसिकली हमारी कैंसरस डिजीजेज होती हैं। ठीक है, और मोलर में, मोलर इसलिए उन्हें हमने कहा हुआ है क्योंकि उनमें मोल की फॉर्म, मोल क्या होता है,
केमिस्ट्री वाले मोल की बात नहीं मैं करी, वो जो है वो गैड्रोज नंबर वाला मोल है, वैसे जनरली देखा जाए तो मोल हम उसको कहते हैं, तिल जो हमारी बॉडी पे होते हैं उन्हें हम मोल कहते हैं। तो बेसिकली मोल इज एनी राउंडेड स्ट्रक्चर, तो क्योंकि हमारे पास जो मोलर टाइप है उसमें अपेयरेंस किस तरह से आती है, हमारे जो प्लेसेंटा है ऐसे ग्रेप लाइक क्लस्टर्स या सिस्ट्स बनी हुई महसूस होती है हमें, इसलिए उन्हें मोलर डिसऑर्डर्स नाम दिया। जो नॉन मोलर है वो कार्सिनोमाज होते हैं। तो मोलर में हमारे पास हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल आता है जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इन यूर एम्ब्रियोलॉजी ऑल्सो, उसमें हमारे पास में तीन तरह का हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल आता है, पार्शल, कंप्लीट एंड इनवेसिव इन नेचर। ठीक है, अच्छा अभी इन सबको मैं डिटेल से बताऊंगी कि व्हाट इज मोलर एंड व्हाट इज नॉन मोलर, व्हाट आर हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल्स। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन आपका जो हार्मोन है विच इज सिक्रीटेड बाय योर प्लेसेंटा, शुरू में ये हार्मोन सिक्रीट करना होता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में और कुछ अर्से बाद इसका कंट्रोल जो है वो प्लेसेंटा ले लेता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है ना इसका क्या रोल है, अगर जो लोग होते हैं जिनमें गेस्टेशन रिकोप्लासिक डिजीज होती है उनमें ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा लेवल में प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो यूरिन में या ब्लड में होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड में भी होता है यूरिन में भी सिक्रीट होता है, उससे ज्यादा प्रेजेंट होगा उन लोगों में जिनमें कोई भी गेस्टेशन लिम्फोब्लास्टिक डिजीज होगी। तो इस वजह से एचसीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में भी और प्रोग्नोसिस में भी। जब तक ट्रीटमेंट चल रही होती तब तक एचसीजी के लेवल्स कराए जाते हैं टू चेक आइदर इट इज गोइंग वेल और नॉट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल है विच इज अ मोलर टाइप ऑफ जीटीडी गेस्टेशनल लिम्फोब्लास्टिक डिजीज वो क्या चीज़ है। तो हमारे पास हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल में ये होता है कि हमारा जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है वो सारा एक एबनॉर्मल ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में, सिस्ट्स की फॉर्म में ग्रो करता है और फीटस नहीं बन पाता। अब क्या ऐसा हुआ था कि ये मोल बन गया और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एबनॉर्मल हो गया? बेसिकली हमारे पास ये आ रहा होता है मसला फर्टिलाइजेशन के लेवल पे। जो हमारा कंप्लीट मोल है ना उसमें तो ये होता है कि आपके पास जो एग है उसमें एम्प्टी होता है, मतलब एग का जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जैसे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते ही नहीं है इसके पास। ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है और जो स्पर्म है वो नॉर्मल है। जब वो दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड नंबर आता है, मतलब क्योंकि एग का क्रोमोसोम एम्प्टी था तो मेटर्नल साइड से कोई क्रोमोसोम नंबर ऐड नहीं होता। फिर क्या होता है, जो स्पर्म है ना जिसके पास 23 थे हाली, वो अपना नंबर डुप्लीकेट कर लेते हैं और जीन टोटल बना देते हैं नॉर्मल जितने 23 पेयर्स या 46 नंबर बना देते हैं। ठीक है, जीन क्रोमोसोम्स के अब 46 क्रोमोसोम्स तो पूरे आ जाते हैं रिजल्टेंट सेल में, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि 46 के 46 क्रोमोसोम्स आपके सारे के सारे जो आते हैं वो पटर्नल साइड से आते हैं, उसमें मटर्नल कोई भी नहीं होता क्योंकि मटर्नल एग का क्रोमोसोम एम्प्टी था। समझ आई मेरी बात कि मेटर्नल एग का क्रोमोसोम शुरू से ही एम्प्टी होता है, वो ख़राब होता है, वो डिफेक्टिव होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म है उसका जो हैप्लॉइड नंबर 23 है वही हो जाता है डुप्लीकेट इनटू 46 एंड रिजल्टेंट जो सेल बनता है उसमें 46 हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बट ऑल डिराइव फ्रॉम पेटर्नल साइड। अब मेटर्नल साइड से हमारे पास कोई जीन ही नहीं है, जब मेटर्नल साइड से कोई जीन आया ही नहीं, एक भी नहीं है, तो हमारा जो रिजल्टेंट डेवलपमेंट होगी उसके सिग्नल्स हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मेटर्नल साइड से आए थे वो कुछ भी नहीं आते। तो फिर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अब नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ प्रोलिफरेट करता जाता है और ऐसे यूट्रस में मल्टीपल सिस्ट की फॉर्म में, मतलब जैसे आप समझ रहे हैं जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है ग्रेप लाइक क्लस्टर, उस तरह बनता है और कोई फीटल टिश्यू डेवलप नहीं होता। ठीक है, देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ फीटल टिश्यू, फीटस का कुछ भी डेवलप नहीं हो पाता बिकॉज दोनों चीज़ें बराबर थी नहीं, क्रोमोसोम बराबर थे ही नहीं कि वो कुछ डेवलप होता। ठीक है, तो इस तरह का जो मोल होता है जिसमें सारा पटर्नल टिश्यू हो, कोई एक भी मदर की तरफ से ना हो और ज़रा सा भी पार्ट ऑफ फीटस भी डेवलप ना हो सके, उसको हम कहते हैं कंप्लीट मोल। ठीक है, उसके ऑपोजिट में हमारे जो पार्शियल मोल होते हैं, बेसिकली उसमें क्या होता है, पार्शियल मोल में ना एग के पास अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं लेकिन इट इज फर्टिलाइज बाय टू स्पर्म्स। ठीक है, जब हमारे पास ये डुप्लीकेट आते हैं तो फिर 23 इसके और 23 इसके तीनों जब मिल जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाता है हमारे पास 23 23 23 को प्लस करेंगे तो 69। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ट्राइप्लॉइडी। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल तो होती है ना डिप्लॉइड होता है, एक पर्सन में नॉर्मली 23 23 के दो सेट होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड नंबर।
23 का एक होगा तो उसे हम हैप्लॉइड कहेंगे, लेकिन अगर 23 23 23 के तीन सेट्स आ जाएंगे तो डैट इज कॉल्ड एज ट्राइप्लॉइडी। तो ये हमारी ट्राइप्लॉइडी की कंडीशन बन जाती है। ये भी अब नॉर्मल है, जाहिर सी बात है इतने क्रोमोसोम्स तो संभाले नहीं जा सकते, लेकिन इसमें ये है कि क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत मटर्नल क्रोमोसोम्स में मटर्नल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, सो इस कंडीशन में थोड़ा बहुत फीटल टिश्यू डेवलप होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बहुत जल्दी ही अबॉर्ट हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट कम्पेटेबल विद लाइफ। डेफिनेटली 69 क्रोमोसोम्स हैं। अब वो डिपेंड करता है कि स्पर्म जो आया था वो एक्स था या वाई था। अगर दोनों एक्स थे तो 69 एक्स 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 होगा, क्योंकि है फीमेल तो है ही एक्स जर्म सेल ना। अगर ये दोनों स्पर्म्स भी एक्स थे, अगर एक वाई था तो 69 एक्स एक्स वाई होगा, और अगर दोनों वाई थे तो 69 एक्स वाई वाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बहरहाल इसकी वैसे मैं आपको बताई थी कि जेनेटिक्स में क्या होती है, लेकिन बात ये है मेन इसमें कि इसमें थोड़ा बहुत जो फीटल टिश्यू डेवलप होते हैं वो भी बहुत जल्दी अबॉर्ट कर देते हैं, और बाकी उसी तरह से सारा ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में एबनॉर्मली ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेट हुआ होता है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, फिर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि या तो हमारा एग खराब था या फिर दो स्पर्म्स ने कंट्रीब्यूट कर लिया। जो मेजर रिस्क फैक्टर है दैट इज मैटरनल एज, रिमेंबर द ओनली वन, और इसके अलावा कोई भी ऐसा मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है। बिलो 20 एंड अबव 40, या कुछ लोग कहते हैं अबव 35 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज कंसिडर्ड एज हाई रिस्क फॉर मेनी अदर कंडीशंस, ठीक है। नॉट ओनली दीज गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस, सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि वेरी लो एज बिलो 20 एंड वेरी जो ओल्ड एज तो नहीं कहूँगी, एडल्ट एज अबव 35 या अबव 40 कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और ससेप्टेबल एजेस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली बात आ जाती है, ठीक है। इसका जो हमारे पास हाइड्रेटिव, अच्छा ये जो दूसरे वाला मैंने आपको बताया ना, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल मोल, इस तरह के मोल को हम पार्शियल मोल कहते हैं, और इनका जो इंसिडेंस है वो एशियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैं इनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह और इनवेसिव मोल अगले पार्ट में बताती हूँ, अभी तक कोई मसला हुआ है कि नाच में। थैंक यू।